ईशा अंबानी और आनंद परिमल शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर सगाई कर लेंगे। अंबानी परिवार की तैयारियों से लग रहा है कि ये कभी ना भूलने वाला जश्न होगा। सगाई की रस्में इटली के लेक कोमो में शुक्रवार 21 सितंबर से शुरू होंगी। जश्न रविवार 23 सितंबर तक चलेगा। इससे पहले इसी साल आनंद परिमल ने ईशा अंबानी को महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम में प्रपोज किया था। मई में एक निजी समारोह में दोनों परिवारों की मौजूदगी में जश्न भी हुआ था। जून में ईशा के जुड़वा भाई आकाश अंबानी की सगाई श्लोका मेहता से हुई। बाद में मुंबई में अंबानी के घर एंटीलिया में एक जबरदस्त पार्टी हुई, जिसमें बॉलीवुड, राजनीति और कारोबार जगत की चर्चित और दिग्गज हस्तियां शामिल हुई थी। कई दिन तक इस पार्टी की चर्चा होती रही। ईशा अंबानी और आनंद परिमल की सगाई की रस्में 3 दिन तक चलेंगी और 23 सितंबर को एक शानदार फेयरवेल लंच के साथ खत्म होगी। मुकेश और नीता अंबानी बेटी की सगाई की रस्म को इटली के लेक कोमो में होस्ट करेंगे। ये जगह हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पसंदीदा जगह में शुमार की जाती है। 3 दिन तक यहां सगाई रस्म के साथ कई इवेंट्स होंगे। इसमें लंच और डिनर से लेकर डांस तक के इवेंट्स शामिल है। 21 सितंबर को अंबानी परिवार बेहतरीन होटल्स में मेहमानों का स्वागत करेंगे। शाम 5 बजे से लेक कोमो के विला बेल्बियानो में मेहमानों के डिनर का इंतजाम होगा। उसके बाद 22 सितंबर को इटली में सगाई की रस्म के दूसरे दिन जश्न होंगे। शनिवार की शाम को सभी मेहमान विला ओल्मो में डिनर और डांस के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद 23 सितंबर को डुओमो डेल कोमो और टियाट्रो सोशियल कोमो विल में मेहमानों के लिए लंच की व्यवस्था होगी। सगाई के भव्य समारोह में आने वाले मेहमानों को 3 दिन खास ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। मेहमानों को पहले दिन लंच के मौके पर कैजुअल ड्रेस अप फॉलो करना होगा। शाम को डिनर के मौके पर ब्लैक टाई को फॉलो करना होगा। ब्लैक टाई का मतलब है ब्लैक कोट पैंट के साथ व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई या फिर ब्लैक बो पहनना होगा। 22 सितंबर को शनिवार के दिन इटालियन फिएस्टा में मेहमानों को कोमो चेक लुक फॉलो करना होगा। डिनर के लिए शाम को गेस्ट कॉकटेल अटायर में आएंगे। 23 सितंबर को यानी रविवार को होने वाले फेयरवेल लंच पर गेस्ट को स्मार्ट कैजुअल ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। आपको बता दें कि शादी को शाही अंदाज में बनाने के लिए हर इवेंट को इटालियन अंदाज में मनाया जाएगा, इसलिए तीनों दिन को खास नाम भी दिया गया है। 21 सितंबर को होने वाले वेलकम लंच को बेनवेनुटिया कोमो नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है कोमो में स्वागत। डिनर को अमोरे ई बेलेज्जा नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं लव एंड ब्यूटी। 21 सितंबर को होने वाले इवेंट को फियरा बेला इटालिया, जिसे अंग्रेजी में ब्यूटीफुल फेयर इटली कहते हैं। शाम को होने वाले डांस और डिनर को इटालियानिसिमो नाम दिया गया है, इसे अंग्रेजी में दैट इज ट्रूली इटालियन कहते हैं। 23 सितंबर को होने वाले फेयरवेल लंच को एरिवेडेर्सी कोमो नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है गुड बाय कोमो। साथ ही साथ आपको बता दें कि आनंद और ईशा लंबे समय से दोस्त हैं। दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 4 दशक से जानते हैं। आनंद ने ईशा को महाबलेश्वर के टेंपल में प्रपोज किया था।